ये है AI WAF वीडियो कैप्चर कार्ड। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है और कीमत भी काफी कम है, केवल 999 रुपीस में आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने DSLR कैमरा या कैमकॉर्डर को एक वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। DSLR कैमरे को एक वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक HDMI केबल आपको ले लेनी है और दूसरी सबसे जरूरी डिवाइस है, वो है एक कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। अगर आपको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी कैप्चर कार्ड चाहिए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, 10,000 से 15,000 रुपए उनकी कीमत होती है। लेकिन आज मैं लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैप्चर कार्ड। ये है AI WAF वीडियो कैप्चर कार्ड। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है और कीमत भी काफी कम है, केवल 999 रुपीस में आपको ये मिल जाएगा। इसका वाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते। मॉडल नंबर AIWCAP20। बैक साइड में इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, तो मैं इसे कर लेता हूं ओपन। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे इसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज करना है, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर दी गई है। तो ये है AI WAF वीडियो कैप्चर कार्ड। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, इसका वेट है केवल 23 ग्राम। और यहाँ पर AI WAF की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एक LED इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बनी हुई बॉडी यहाँ पर दी गई है जो की एक हीट सिंक का काम भी करती है, यानी आपका कैप्चर कार्ड ज्यादा गर्म नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन क्वालिटी की कनेक्टिंग केबल है। यहाँ पर एक HDMI पोर्ट दिया गया है। HDMI पोर्ट के थ्रू आप अपने DSLR कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो। कैप्चर कार्ड के इस साइड आपको USB कनेक्टर देखने को मिल जाता है। इसे आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप इसे C-Type पोर्ट पर कनेक्ट करना चाहो तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसे आपको बस इस तरह से हटा देना है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक C-Type कनेक्टर भी दिया गया है। ये कैप्चर कार्ड एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आपको डायरेक्ट अपने लैपटॉप या PC के USB पोर्ट पर इसे कनेक्ट कर देना है। किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1080p 60fps का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। AI WAF के इस कैप्चर कार्ड से आपको काफी स्टेबल सिग्नल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की स्पीड भी काफी अच्छी खासी है, साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो 480 MB/s की स्पीड देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको काफी वाइड कंफर्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। ये HDMI 1.4, HDMI 1.3, HDCP 1.4 के साथ आसानी से काम करता है। इसे आप अपनी अलग अलग डिवाइसेज जैसे गेमिंग कंसोल, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इस तरह की डिवाइसेज पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने DSLR कैमरे को वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए इस कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना DSLR कैमरा ले लेना है। अपने DSLR कैमरे पर आपको चेक कर लेना है किस तरह का HDMI पोर्ट आपके कैमरे पर दिया गया है। मेरे पास है Canon M50 Mark II, इसमें हमें माइक्रो HDMI पोर्ट दिया गया है। कुछ कैमरे के अंदर मिनी HDMI पोर्ट होता है, किसी में माइक्रो HDMI पोर्ट होता है, तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है, उसी के हिसाब से आपको HDMI केबल ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने जो HDMI केबल ली है, इसके एक एंड पर आप देख सकते हो यहाँ पर माइक्रो HDMI कनेक्टर है और दूसरे एंड पर नॉर्मल HDMI कनेक्टर है। तो ये जो माइक्रो HDMI कनेक्टर है, इसे मुझे अपने कैमरे के माइक्रो HDMI पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। HDMI केबल के दूसरे एंड को हमें कैप्चर कार्ड के HDMI पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और कैप्चर कार्ड के दूसरे एंड पर हमें USB कनेक्टर दिया गया है। USB कनेक्टर को हमें अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो यहाँ पर अब हमारा DSLR कैमरा हमारे PC से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपने DSLR कैमरा को ऑन कर देना है। इसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करना चाहो अपने DSLR कैमरे को वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपका गूगल मीट हो या किसी भी तरह की कोई भी सोशल मीडिया हो, उसमें आप इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको OBS स्टूडियो के अंदर इसे यूज करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। मैंने यहां पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। OBS स्टूडियो में आपको सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं मान लो यहां पर नाम दे देता हूं D1।
मैंने यहाँ पर नाम दे दिया D1, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डिवाइसेस के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर एरो का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले कैप्चर UVC 05, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारे DSLR कैमरे की फुटेज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद सोर्सेज में जो D1 वाला ऑप्शन है इसे हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हम फिट टू स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। तो DSLR कैमरे की फुटेज हमारी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद OBS स्टूडियो की सेटिंग्स आपको पता ही होंगी, उससे आप कहीं पर भी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो। चाहे आप इसे गूगल मीट में यूज करो, जूम में यूज करो या स्काइप पर यूज करो, किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने DSLR कैमरे को एक वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और कैमरे का जो ऑडियो है कैप्चर कार्ड के थ्रू वो भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है, यानी ये कैप्चर कार्ड आपके वीडियो को भी ट्रांसमिट करता है साथ ही साथ ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफी स्टेबल सिग्नल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और यहाँ कोई भी लैग आपको देखने नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम इसकी ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको 480 MB पर सेकेंड की स्पीड देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने DSLR कैमरे को एक वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और काफी बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग कर सकते हो। EyeBob का ये कैप्चर कार्ड काफी बेहतरीन क्वालिटी कैप्चर कार्ड है, कीमत भी काफ़ी कम है, केवल 999 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। वाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।